कैंसर एक ऐसा रोग है जिसकी भयावहता को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने किसी सगे संबंधी को इस बीमारी से मरते नहीं देखा हो। यह बीमारी भी रातों रात नहीं होती है और इससे जुड़े कुछ एक लक्षण ऐसे हैं जिनकी मदद से आप इस बीमारी की जांच करा सकते हैं। मेन ऑनलाइन में लिजी पैरी का कहना है कि कम से कम ऐसे 10 घातक लक्षण हैं जिन पर गौर करने के बाद आप जान सकते हैं कि कहीं आप भी तो इस घातक बीमारी के चपेट में नहीं आने वाले हैं। आज मैं आपको कैंसर के 10 ऐसे लक्षणों के बारे में बता रहा हूँ जिसे आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहला लक्षण है अचानक से वजन घटना, भूख की कमी, कमजोरी या थकान। दूसरा है मुंह का अल्सर ठीक ना होना। यदि मुंह का अल्सर पिछले 3 महीने से ठीक नहीं हुआ हो तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। तीसरा है निगलने में प्रॉब्लम। अगर पानी या भोजन निगलने में परेशानी या दर्द हो रहा हो तो डॉक्टर को दिखाएं, इससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ है गांठ होना। अपने शरीर को देखने और छूने पर महसूस करके आप पता कर सकते हैं कि कहीं किसी अंग के अंदर गांठ तो नहीं बनी है। डॉक्टर को दिखाकर यह पता लगाया जा सकता है कि गांठ कितनी पुरानी और कितनी बड़ी है। कैंसर की गांठ दर्द रहित होती है। पांचवा है स्तन में गांठ और निप्पल डिस्चार्ज होना। हर महिला को पता होना चाहिए कि स्तन के गांठ की जांच कैसे की जाती है। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। सिक्स्थ सिम्टम है लंबे समय से कफ आना या आवाज में बदलाव। यदि आपको 2 हफ्तों से कफ और सांस लेने में परेशानी हो रही है तो इसे चेतावनी समझें। इसके अलावा यदि कफ के साथ खून भी निकले तो डॉक्टर को जरूर बताएं। सातवां लक्षण है पेड़ों में दर्द, मल में आने वाला खून और पेट फूलना। ये लक्षण पेट के कैंसर का हो सकता है। कई लोग मल के साथ आने वाले खून को पाइल्स का लक्षण भी समझ लेते हैं। आठवां है ब्लीडिंग। बेवजह पीरियड्स के बीच में या सेक्स के बाद ब्लीडिंग का मतलब होता है गर्भाशय का कैंसर। अगर पेशाब में खून आए तो इसका मतलब मूत्राशय या गुर्दे के कैंसर का लक्षण है। नाइन्थ है शरीर पर तिल। शरीर पर भूरा, लाल, गुलाबी या नीले रंग का तिल है तो डॉक्टर से जरूर मिलें। और 10वां सिम्टम है खुजलाहट। आपको देखना होगा कि कहीं आपके शरीर पर कोई ऐसा असामान्य निशान तो नहीं है जिसमें खुजली हो रही हो और खून बहना शुरू हो गया हो। इन सब लक्षणों को ध्यान में रखकर आप वक्त रहते कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अवेयरनेस के लिए इसे शेयर करें और मन में कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। और बने रहें इन्फो हब के साथ हेल्थ से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए। थैंक यू।